इससे पहले कि शुभंकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एमएस बिट्टा जो पहले एक युवा नेता रहे हैं लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेके और अब ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट बनाया है। बिट्टा साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं क्योंकि इस मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल वीके शर्मा एवीएसएम है जो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के चांसलर हैं, आपके पड़ोस में एक रिटायर्ड फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल, अगर सेना के हिसाब से देखें तो नंबर टू की एक भूमिका में होते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बेटा साहब इस खास कार्यक्रम के लिए आए हैं, शहीदों का सम्मान जो हम करेंगे, आप मंच पर आए, आपसे सवाल होंगे केवल और केवल देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की शहादत करने वालों का ये सम्मान करते हैं। एक चीज मैं यहां कह दूं आपको कि ये मंच जो है वो राजनीति का नहीं है, लेकिन हम हर उस सवाल का जवाब उन लोगों से चाहते हैं जिनको जनता ने चुना है, जिनको उनकी पार्टी ने चुना है और जिनको देश की जनता ने नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। हमारे साथ पैनल कुछ इस तरह का है कि एमएस बिट्टा एक जमाने में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन पर आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों के हमले में शहादत नहीं हुई क्योंकि ईश्वर ये चाहता था, वाहेगुरु चाहता था कि ये देश के लिए काम करें और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। सबसे बड़ी आवाज हिंदुस्तान की अगर है तो वो है एमएस बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया हैं, उन शहीदों का सम्मान करते हैं जिनको कई बार सरकार भूल जाती है। लेकिन बिट्टा साहब की खास बात यह है कि जब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बहुत कम वक्त है लेकिन मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं ग्वालियर में, ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूं शहीदों का सम्मान है, ये लुधियाना में थे, बहुत बाहर थे, बोले मैं आऊंगा जरूर, और अभी इन्होंने दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन किए और सीधे हमारे कार्यक्रम में हाजिर हुए, शाम को 7 बजे भी उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो शुरुआत हम करेंगे बिट्टा साहब आपसे क्योंकि आप हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं और आप एकदम सही जगह पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एमएस बिट्टा राजनीति से दूर हो चुके हैं, राजनीतिज्ञों से वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन एक देश का आदमी यह जानना चाहता है, हर इंसान यह जानना चाहता है कि इतनी नफरत क्यों है भाई, क्या ऐसी बात थी, माइक आपके बगल में है, क्या ऐसी बात थी जब एमएस बिट्टा जैसे युवा नेता को, जिस पर आतंकवादी हमला करते हैं, जिसकी कार पर बम से अटैक करते हैं, जिसको बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन अपने निशाने पर रखते हैं, वो बिट्टा राजनीति से दूर क्यों चला गया और आखिर क्या ऐसी वजह है कि जब आप राजनीतिज्ञों से अपनी दूरी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल सीधा कर रहा हूं कि देश की, मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, माइक आपके पड़ोस में। बात यह स्पष्ट है कि मैं 7 साल की उम्र में जलियांवाला बाग जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए जनरल डैर ने गोलियां चलाई थी, उस खून की लाल मिट्टी पे मैंने 7 या 8 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर के सामने जो शपथ खाई थी, आजादी इन शहीदों ने लेके दे दी, अब आजादी की रक्षा करने के लिए कभी वक्त मिला तो हम कुर्बानी देंगे, और वह वक्त आया, काफी वर्ष बाद ये वक्त आया, इम्तिहान आया, जब आतंकवादियों ने कहा अगर 15 अगस्त आजादी का तिरंगा झंडा हरमंदर साहब के सामने या जलियांवाला बाग के सामने लहराओगे तो बम्बों से उड़ा दिए जाओगे, वो पहला बम चला 83 के अंदर जब आतंकवादियों ने कहा, अगर आतंकवादी ये चैलेंज करते थे कि आजादी का तिरंगा झंडा लहराया गया तो पहला बम चलेगा, और वो चला, उस वक्त आजादी की रक्षा की लड़ाई की शुरुआत हुई, और उस वक्त कांग्रेस, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग सोच होती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी हमने देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखे, बड़े बड़े लीडर देखे हमने, पर हमारा जो जिंदगी का वक्त बम्बों गोलियों से बचपन से और अस्पतालों में, एक बार हमला नहीं 14-14 बार आतंकवादियों के हमले हुए, अपने सामने जवानों के शरीरों को मैंने उड़ते हुए देखा है, उनकी पकड़ी हुई बंदूकें LMG उड़ती हुई देखी है, दूसरे के पेट में घुसती हुई देखी है, बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखे हैं, बच्चे यतीम होते हुए देखे हैं, और बचपन के अंदर वो नारे जो हमारे हुआ करते थे जब घर से निकलते थे सुबह 5 बजे तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का लेकर के, वो नारे अभी भी हृदय में है, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक, धर्म एक। बेटा साहब
आपने भारत माता को लेकर बातें की, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने से भी कतराते हैं। देखो एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, अभी मैं दतिया से आया जी, यहां की कहानी बताता हूं। पिछली बार गया तो कुछ पुलिस अधिकारी मेरे सामने खड़े थे, अभी मत्था टेकने जाना था। मैं कहा यहां कोई क्राइम है? कहते जी हां क्राइम है। मैंने सोचा कि लूटपाट का क्राइम होगा, कहते नहीं कास्टिज्म का क्राइम है। अगर दो दोस्त बैठे हैं, एक उसको छुरा खोपता है, दूसरा उसको खोपता है। मैंने सोचा क्या भारत आजाद है? हम आदर्श हैं, राजनीतिक लोग इस राष्ट्र के आदर्श हैं, और हम ही कास्टों में बट गए। हमें इन नई जनरेशन को क्या देंगे? इनमें से पूछिए कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन छोटी जात, कौन बड़ी जात। हमने बंटवारे करा दिए भाई, ये आज की राजनीति है। बताओ क्या मैंने अपने शरीर के ऊपर बम खाए थे? क्या इसलिए बम खाए थे? क्या हमारे फौज के साहब का जनरल वाइस चांसलर बैठे हैं, जब इन्होंने जंग लड़ी होगी क्या मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए क्या इन्होंने सोचा होगा? मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इनका एक ही मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कहां मैं टिकता हूं बताइए? आप फैसला कीजिए क्या मैं इस जगह पे टिकता हूं? यहां कास्टिज्म, मजहब, धर्म, छोटा बड़ा, श्रूल कास्ट, बैक, कौन से नाम आ गए भाई? जो पुराने इतिहास में बाबा साहब अंबेडकर साहब ने लिखा है वो लिखा है, वो इतिहास जिंदा रहेगा, उसको तोड़ने नहीं देंगे। पर अब छोटा बड़े का कब फर्क खत्म होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल। क्या इतनी बड़ी आजादी के बाद हम आजाद हैं? ये सवाल मैं आपसे सबसे पूछता हूं। जी आपने बहुत अच्छी बातें कही, और हमारे एक दर्शक है सौरभ, उन्होंने आपके लिए दो लाइनें भी लिखी हैं। वो ये कहते हैं कि एक तरफ देश में तमाम राजनेता हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन उन्हें गर्व हो रहा है इस वक्त टीवी देखते वक्त, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते वक्त, कि उनके सामने बिट्टा जी जैसे लोग हैं जो देश के सैनिकों की बात करते हैं, देश के वीर सम्मानों की बात करते हैं, शहीदों के परिवार वालों की बात करते हैं, और आतंकवादियों को कैसे नस्तनाबूद कर दिया जाए उसकी बात करते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए।